सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है ये व्लॉग बना के, क्योंकि आयुष बोला फिट मैच जो कि हमारे गिन्ने भाई साहब जी हैं, उनके 100K हो गए हैं, उसकी खुशी में भी। और बड़ा अच्छा फील, प्राउड मोमेंट फील कर रहा है, क्योंकि कहाँ से इसकी मैंने जर्नी देखी थी स्टार्ट, कहाँ से कहाँ हुई थी, कहाँ से कहाँ लेके गई भाई को, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलो अब दिन की शुरुआत करते हैं। तो हाँ, एडिट का कोलाब भी करना है, तो जो मैं प्रोटीन पीता हूँ अभी दिखाता हूँ। अबे यार चुप रहा यार, बोलने दे भाई। तो अब देखते कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, नवरात्रे स्टार्ट हो रखे हैं, तो भाई साहब आपको चाहिए प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, क्योंकि कितने अपने वो भाई होते हैं जो खाते रहते हैं गंदा भला, उनको भी मना कर दो भाई छोड़ दो, गिनने को भी मना करो कि छोड़ दो, बट ये मानते नहीं है। तो चलो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं क्या नहीं है। और गाइस ये देखो ऑल स्टॉक का पूरा माल, जिन जिन भाइयों ने भी रह गई है जाके जल्दी कर लो जाके, वरना फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, मिलेगी नहीं। तेरी माँ भी तरफ से प्यार करे, तेरा बाप भी प्यार करे, अंदर अंदर प्यार करेंगे, बट फिर रिग्रेट भी करेंगे की क्या पैदा कर दिया ये। जब तक पैसा कमा के अच्छा देगा वो भी खुश होंगे। चल भाई, तो एंड में मेन क्या हो रहा है कि पैसा कमा रहा है लड़का, तो उसे प्यार मिल रहा है। औरत को कुछ देखो और बच्चों को प्यार मिलता है बिना उसके कंडीशन के, हमें बस तभी मिलता है जब हम कुछ करने लायक होते हैं। अब यही देख ले, अगर हम वेले बैठे होते अभी आवारागर्दी कर रहे हैं, ऐसे बिना कमाए आवारागर्दी कर रहे होते तो हम आवारा थे, अभी यूट्यूबर है, समझ रहा है। पैसा आ रहा है तभी तो, हाँ पैसा आ रहा है तो चुप रहते हैं, फिर दोस्त यारों को भी अच्छे लगते हैं, हम दुनिया को भी अच्छे लगते हैं। चल ठीक है, इससे आराम से बात करो, क्योंकि इसकी जेब गर्म है। जब तक जेब में गांधी है तब तक दुनिया तुम्हारे गंदगी को लेके आंधी है। ये कौन सी लाइन हुई साले, आंधी है मतलब तुम्हारी इग्नोर करती है। जब तक जेब भरी है तब तक लोगों की भरी है। अब हम जा रहे हैं, पार्ट नहीं, दिस इज सीरियसनेस ब्रदर। हां वो सीरियसनेस, सच बोल रहा हूं मैं, तू सच ही बोलता है, हमेशा झूठ का बोलता भाई मेरे को। तो अभी हम जा रहे हैं सिक्के के घर, जा रहे हैं गाइस सिक्के के घर, जा रहे हैं सिक्के के घर, जा रहे हैं सिक्के के घर। सिक्के के घर में जाके आपको एक अच्छा सा वो मिलेगा सरप्राइज। जिंदगी मर्दों की इसी में निकल जाती है, पैसा कमाओ अपने आप को साबित करते रहो। एक काम करिए, कैमरा पीछे पकड़ ही ले, हाथ तू ही कर रहा, आज सारी भड़ास निकाल दे अपनी, सारी भड़ास। क्या हो गया सुबह सुबह उठ के, तू ऐसा क्या हो गया भाई, तेरे कल 100K हुआ, खुशी मना तू, खुशी हो गई बस, अब 1 मिलियन पे खुश होंगे, ये छोटी छोटी खुशियां मनाते रहे तो हो गया काम। आए नाइस गाइस, ये सिक्का ब्रदर्स को हमने स्कूटी दे दी, इसके बाद रात को कुछ व्हीकल नहीं था जाने के लिए, हमने इसको दे दी पेट्रोल फुल करा के। और आज इस बदतमीज ने क्या करा, पूरा पेट्रोल खर्च करके यहीं पर खड़ी कर दी है, पेट्रोल भी नहीं डलवाते साले। सो गाइस, बाहर जाने से पहले आपको एक अच्छी सी चीज आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करता रहता हूँ। साले कितना साफ लग रहा हूँ, साफ लग रहा हूँ, अच्छी चीज दिखाएगा तो शक्ल बदल गई हो। सो गाइस, बाहर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज से मिलवा देता हूँ, जो है एटाम का वे प्रोटीन इंजाइम ब्लेंड। तो भाई साहब ये अभी नया आया है, और भाई इसकी खास बात ये है, क्योंकि इंजाइम ब्लेंड है तो अभी बिल्कुल लाइट लगता है, बिल्कुल पेट में, गर्मी का सीजन चल रहा है, नवरात्र में है, तो मैंने अपना प्रोटीन इंटेक मतलब समझ लो मैंने 3 स्कूप कर दिया, एक सुबह बनाता हूँ, एक दिन का ले लेता हूँ, और फिर एक जिम के वर्कआउट के बाद लेता हूँ। भाई साहब इसमें 27 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा पर सर्विंग में, 5.7 BCAA है, 12.2 EAA है, और 4.5 आपको एल ग्लूटामाइन मिलेगा इसमें। और इसकी भाई अमीनो एसिड प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, जो कि मुझे बिल्कुल बेस्ट लगी है, आज तक कभी कोई कंट्रोवर्सी में कुछ भी नहीं होता है, जो अपना देता है जितना प्रोटीन इंटेक बोलते हैं प्रॉपर आपको उतना मिलता है, और मैं लेता भी आ रहा हूँ, उसको बिल्कुल बेस्ट लग रहा है भाई। और बाकी नवरात्रों के टाइम में अगर आपको बढ़ाना है तो ये चीज आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लाइट लगेगा भाई, मैंने खुद पर्सनली यूज करूँ, मैं खुद पी रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और अभी भी आपको पी के दिखा रहा हूँ। तो गाइस इसकी मिक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, जैसे मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाओ यूज करो, और मेरा कोड लगाना मत भूलना वरुण भाई एजेडिस, आपको और सस्ता मिल जाएगा, और सस्ता मिल जाएगा, और ऐसी अपनी बॉडी बनाते चलना, और मिलते हैं अब आगे की उसमें, बाय। सो गाइस, गर्मियों का टाइम यही होता है कि बाहर निकलने का मन नहीं करता, क्योंकि धूप इतनी तेज है, और हंडने का बिल्कुल मन नहीं होता, और कुछ करने का भी मन नहीं करता, बस मन करता है कि घर में पड़े रहो और रील देखते जाओ और देखते जाओ और देखते जाओ। फिर शाम हो, शाम को हम जिम जाएंगे, जिम में फिर हम वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट के बाद वो जो मज़ा होता है घूमने का नाइट का, वो अलग होता है। तो अभी मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा, अभी आपको कोई व्लॉग नहीं मिलेगा, आप सीधा जिम में मिलूंगा, मैं सो के आपको जिम के आज, फिर सीधा मैं पूरी रात बाहर रहूँगा, उसका व्लॉग पूरा कंटिन्यू रहेगा, जो भी चलेगी हमारी यू नो थोड़ी बहुत, वो आपको देखते हैं को मिलेगी इसमें, बाय। बाकी गालियाँ बहुत कम कर दिए, क्योंकि येलो डॉलर ने बहुत परेशान कर रखा है,
यूट्यूब वालों ने, बाकी यूट्यूब में आया तो मेरा भाई रोजी रोटी है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट कभी कभार खुद ना गाते तो बोल देते हैं येलो डॉलर की वजह से। बाकी अगर देख रहा हो तो ग्रीन डॉलर आ जाए तो अच्छी बात है। इसलिए इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि किसी की ऐसी तैसी ना करें, आराम से प्यार से व्लॉग बने ताकि ग्रीन आए, चार पैसे मैं कमाऊँ और चार पैसे आप, वो चार पैसे आप मेरे व्लॉग को देख के हंस सको, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ सोने, बाय, टाटा सी। सो गाइस, अभी मैं ये सिक्के भाई के घर था, तो भाई ये काम कर रहा था, तो मैंने अभी आउटलुक देखा। ओ भाई साहब, वो पुराने दिन याद आ गए कैसे मैं देता था। तो भाई स्ट्रगल टाइम, कोई स्ट्रगल नहीं है, क्यों मौज की जिंदगी चल रही है, लैपटॉप बढ़िया चल रहा है घर से। हाय, मेरे वाले स्ट्रगल टाइम था, तेरी स्कैम की कंपनी थी ना, मैं जो बोलता हूं एमएनसी कंपनी इतना नहीं कराती यार। स्कैम कंपनी नहीं थी गाइस, मेरी ट्रैवल टूरिज्म की कंपनी थी, मैं हर एक बंदे को वहां से वहां घुमाता रहता था, वो काम था मेरा। यस, सो गाइस मैं बोर हो रहा था, मैंने दो लड़कियां घर में बुला ली है क्योंकि अबे भाई मार कर रहा भाई, एक लड़की बुलाई है, सॉरी भाई। सो गाइस मैं बोर हो रहा था, मैंने कुछ गर्ल्स को बुला लिया घर, मैंने कहा आओ मेरा टाइम पास कराओ, अभी लड़कियां आ रही हैं। देखो मैंने बताया था कि मैं बोर हो रहा था, मुझे लड़कियां बुलानी थी घर पे, तो मैंने बुला ली। मैं लड़की जैसे तेरा घर हो तो तमीज कर, घर में घुस के उसके घर को, ये हमारा ऐसे नहीं होता, वी आर फैमिली, हम एक दूसरे का अपना घर नहीं मानते। तूने कर दी ना अपनी जनकपुरी वाली बातें, जनकपुरी से बातें कर दी ना, पटेल लग रहा है तू, सीख ले, सिखा सीख ले ना, सब घर कॉमन होते हैं। और क्या, पटेल लग रहा है तेरे घर पे रहूंगी, आ जा रे लालियो, वो भी आए बनाया था नहीं। सो गाइस कुछ ऐसी बातें चल रही कि याशी बग्गा को आता है कि अपना व्लॉग बनाना, वो व्लॉग बनाना करो, फ्यूचर दिखाना आता है, तो उसको ना फिर उसको फ्यूचर, मेरा तो बता क्या फ्यूचर है, किसकी बंदी से परेशान हो जाएगी। कुछ नहीं बोला यार, बोल कर यार, गाइस देखो दीपिका पादुकोण आई है जनकपुरी से। हाय गाइस, दिस इज दीपिका पादुकोण एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ टू डू स्किन केयर। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी आर अप्लाइंग ऑन आवर फेस इज दिस टट्टी। तो बोल रही है सही, तो बोल रही है, तुमसे प्यार हो जाएगा। तू 2 मिनट और बोली तो चैनल अनसब्सक्राइब हो जाएगा। कुछ खाने को मंगा दो, मैं कह रही थी बहुत देर से भूख लग रहा है, तो कुछ खाने के लिए मंगा लेते हैं। वैसे मैं घर पे रणबीर को खा लेती हूँ, बट यहाँ पे है नहीं ना, तो चाप मंगाया हमने, नहीं दिखा सकता मैंने, आलिया भट्ट और कौन सी थी ये, दीपिका पादुकोण, चाहिए होगी सस्ती तो बता देना। सो गाइस अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ काम से आना पड़ गया, क्योंकि मुझे किसके साथ जाना है, साहिल भोले के साथ कुछ अपने यही ऑल स्टैक के काम से, तो मैं वहाँ से वो महफिल छोड़ के आ गया और अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट अपने बिजनेस से, तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, फिर चलते हैं जिम। अभी हम बस ऐसे ही आए थे घूमते घामते और हमें देखो सामने क्या दिखा। सो इस काम के लिए मैं वो महफिल छोड़ के आया था, इस वाली महफिल में, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं बिजनेस की मीटिंग करने के बाद। गाइस मीटिंग हो गया डन, अब पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि जिम जाऊं या ना जाऊं, बट कोई नहीं, पर जिम वर्कआउट करूंगा और थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं कैसे खड़ा हूं? तो भाई भाइयों को चेक करनी थी कि भाई एक बार चेक करा दे टी शर्ट कैसे लगती है पहन के। भाई आया कुत्तों से कटवा दिया, ये लो कुत्तों से कटवाया, उसको आ गई तेरी गिट्टों की स्मेल, हमारी गलती है इसमें। ये रे भाई तेरा बर्थडे गिफ्ट, कोई नहीं तो एंजॉय कर यार, 30K की वो है गिफ्ट तेरा, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। सो गाइस फाइनली ऑल स्ट्रैक की स्मॉल साइज, बंदे बोल रहे थे कि तूने पहन के नहीं दिखाई, पहन के नहीं दिखाई, देखो मैंने पहन के दिखा दिया, दिखा दे एक बार वीडियो, दिखा दे भाई बंदों को, ये ले पीछे हो ना, तो आज सारे ऑल स्ट्रैक पहन के आए हैं भाई, बताइए इसी मॉडल है भाई, आज ट्रेन कर रहे हैं, देखते हैं फोन है कर रहा है मेरे साथ, चलो फिर आर्म्स की तरफ करते हैं। तो गाइस आज हम आर्म्स कर रहे हैं, मैं और मनमन शनि की ताते बिच्छू अपना, तो फर्स्ट मैं ले लूं बार्बर गर्ल्स, तो बार्बर गर्ल्स के 3 सेट है 10, 8, 6, पहला 5 का ले लूं, 5 से करके ले चलो। सो ओके गाइस अपने 3 सेट पूरे कर लिए बार्बर गर्ल्स, अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद कौन सी है। नेक्स्ट है हैमर गर्ल्स और अपने साथ अटू भाई भी आ गए हैं, ये भी मेरे साथ ही कर रहा है, और चलते हैं हैमर गर्ल्स की तरफ, आओ भाई। सो
तो भाई हैमर के बाद दो एक्सरसाइज होगी, अब दूसरा तीसरी मैं ले रहा हूँ प्रीचर, क्योंकि सुमित भाई को अपने भाई को जाना था, तो जरा पहले प्रीचर कर लो उसके बाद हम करेंगे वो कौन सी थी जो उसमें बैठ के कर लेंगे इंक्लाइन नंबर। कोई नहीं पहले प्रीचर कर लेते भाई के लिए। तो गाइस अपनी ये हो गई है प्रीचर भी हो गई, अब चलते हैं इंक्लाइन डंबल की तरफ, इंक्लाइन डंबल करते हैं नेक्स्ट। बको इसको नीचे कर दे गाइस चल। सो भाई अपने थोड़ा चेंज कर लिया क्योंकि मैंने पहले भाई साहब मान लिया फुल पंप हो गए। भाई साहब दिखा भाई ऊपर तो कर यार, तूने वाली क्यों नहीं पहनी जो मैंने पहनी है? तो गाइस ये ऑल स्टॉक की स्मॉल, जो बंदे कह रहे थे कि स्मॉल स्मॉल लालो को पहनाओ तो मैंने भी स्मॉल पहन ली भाई, ये है स्मॉल बिल्कुल ओके आ रही है। बाकी ताते बिच्छू को मतलब भाई सब है, आए ताते बिच्छू ओपी। गाइस सब खत्म हो गई, अब चलते हैं ट्राइसेप की तरफ, ट्राइसेप की फर्स्ट जो है वो देखते हैं, उसके बाद जल्दी से इसको वर्कआउट खत्म करके एक अच्छा सा डाइट, उसके बाद घर घर चलेंगे ठीक है, अंदर तक पहुंच जाएंगे। तो गाइस फर्स्ट है सिंगल हैंड डंबल, सिंगल हैंड डंबल करने के बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस ये डन हो गया वन एंड, अब जा रहे हैं बिग ग्रिप पुश डाउन की तरफ, वो करते हैं जल्दी से फिर मिलते हैं। होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर, आप जा होल्ड कर। ओके बिग ग्रिप हो गया, उसके बाद अब है स्कल क्रशर। मेरे साथ वर्कआउट करके कैसा लग रहा है तुझे? कैसा लग रहा है बता, मजा आ रहा है? बहुत भाई, तो फिर मेरे साथ रोज आएगा, मेरी फीस पड़ती है। बंदा है उतना अच्छा वर्कआउट कराता है, ये फैक्ट है। सारे बच्चों दिल के साफ होते हैं जैसे मैं और ये, बट हम हर चीज डेडिकेशन से करते हैं, बच्चों की लड़ाई लड़कीबाजी शराब और जिम, बट मेरा भाई नहीं है, वी आर फैमिली ब्रदर। आए नहीं उठती ये अपना, वो कहता है मैं जिम करता हूँ। लास्ट लेडी भी है दे रहे मिट्टी दे रहे। सो ओके गाइस फाइनली एक आर्म्स का सक्सेस वर्कआउट सा हो गया है, अपने आर्म्स हो गया पंप और इसी हिसाब से इस ब्लॉग भी हो गया पंप। और मैं भाई इसी तरह गिनने के घर चला गया, वहीं से चेंज वेंज करके आ गया था, कपड़े उसके सारे नए ले लिए थे इसलिए मैं घर जा नहीं पाया, तो प्रोटीन भी अपना ला नहीं पाया। तो अब घर जाऊँगा अपना एडाम का प्यारा सा प्रोटीन पीऊँगा, उसके बाद देखते हैं कुछ आगे का और क्या सीन है क्या नहीं है, इसके बाद चलेंगे। ओके आए तो भाई ये आ गए अपना पनीर नशे में यार आए। So I hope आपने इस ब्लॉग में एंजॉय करा होगा, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आज की यही थी भाई पूरा जो था, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाकी मेरा कोड यूज कर लेना ठीक है, गुड बाय एडिट बाय बाय। काले लड़के हैं जिंदा बेच के खा लेंगे, तू भाई बनेगा तेरे सारा खाना पीना अपनी जेब से डाले।